सितंबर 2018, बेसिकली अगर देखा जाए ये वो महीना है जो कि डायरेक्टली आधा आता है अपने साल में। सो ये वो महीना है जहाँ हमें बहुत ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप से ये पूछना कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हम सही रास्ते पे हमें लग रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं बट हमें मुनाफा नहीं हो रहा है, तो ये वो टाइम है कि हम करेक्ट करें अपने आप को और अपने रास्ते या तो स्मूथ करें या उसको बदलें, या ये अपने आप से सवाल करें कि हम कैसे इसको और सही बना सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो सितंबर एक बेहद ही खूबसूरत मंथ है जहाँ जो काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं वो एक्चुअली या तो डायरेक्ट जा रहे हैं या अपनी दिशाएं बदली कर रहे हैं। बट एक बात सही है कि वो प्लैनेट्स हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत सुना है और मैंने बहुत पढ़ा भी है कि जहाँ प्लैनेट्स को कह रहे हैं कि खराब करेगा और इंसान को बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या दुविधाएं आने वाली हैं, तो मेरी आप सबसे ये इल्तिजार है कि हमारे जो कर्म है वो हमारे एक्शंस के साथ डायरेक्टली संबंध रखते हैं। जो हम करते हैं वो हमारे कर्म बनते हैं, जो बीज हम बोते हैं हम उसी का फल खाते हैं। ये प्लैनेट्स हमें सिर्फ रास्ता बताते हैं कि हम किस दिशा पे जाना है। तो सितंबर का महीना सब जोडियक्स के लिए या सब राशि वालों के लिए एक मैसेज लेके आता है कि आप देखो आप कहाँ से आ रहे हो, और अगर आप अपने रास्ते बदले करना चाहते हो या अपने तरीके बदला करना चाहते हो काम करने के हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, तो ये एक सही मंथ है। सितंबर 2018 हमारी सब राशियों के लिए क्या लेके आ रहा है, मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है कि मैं प्लैनेट्स की भी बातें कर सकूं, बट सिंस प्लैनेट्स के बारों को बातें ना करते हुए मेरी ये इच्छा है कि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊं हर एक राशि को कि हर एक राशि को ग्रहों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये मेरी होगी और मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हैं हर एक राशि के लिए, तो उस नोट्स को मैं आपके सामने रखती हूँ। मेष राशि के लिए यानी कि एरीज, सितंबर 2018 आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह देना चाहती हूँ। आप अपनी मनमानी ना करें, मनमानी करने से दूर रहें, औरों की भी सुने। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है उसको औरों के साथ डिस्कस कर लें, एंड जो कोई भी डिस्कशन में आपको आइडियाज़ मिलते हैं वो अपने आइडियाज़ को साथ में लेके फिर आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपकी सफलता बहुत जल्दी होगी। एंड औरों की भी सुने, जो कोई भी काम आप सलाह मशवरे से करेंगे उसमें सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी निस्बत कि आप अकेले करें। तो अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई आपको सलाह लेनी है तो उसको एक ग्रुप में, अगर आपको वो ग्रुप पसंद नहीं है तो जो इंसानों के साथ जिसके साथ आपका विश्वास है आप उसके साथ डिस्कस करें फिर ही आगे बढ़ें। जो कोई भी जॉब ढूंढ रहा है नियत से ढूंढो तो सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचो कि ग्रह आपके लिए जॉब लेके आएंगे तो ये थोड़ा काम मुश्किल है, ग्रह तो आपके लिए जॉब नहीं ला सकते। आप एक रियलिटी चेक लें कि आपकी काबिलियत क्या है और आपने कितने दरवाजे खड़काए हैं। हो सकता है कि आपने बहुत दरवाजे खड़काए हों बट एट द सेम टाइम आपको हारना नहीं है। सितंबर महीने में आपकी अपॉर्चुनिटीज और आ रही हैं, तो आप निडर होके दरवाजे खड़काएं, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और आपका सही दरवाज़ा डेफिनेटली खुलेगा। रियलिटी चेक लो अपनी काबिलियत पर, सपनों की दुनिया में मत गुम हो, हकीकत को समझो और सुलझाने का कॉन्फिडेंस रखो। और ये बहुत बड़ी एक बात है कि जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई भी पूरी की है और मेरे पास वो काबिलियत है कि मैं वो काम कर सकूँ, तो यकीन रखें, मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहती हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, अपनी इंटरव्यू देंगे कि मैं इस काम के काबिल हूँ, अगर मुझे मौका दिया जाए तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। बट अगर आपको मालूम है कि काबिलियत है नहीं, होमवर्क आपने अपना किया नहीं है, तो इंटरव्यू में आप फंबल करेंगे ही करेंगे। और जो कोई भी कंपनी आपको पैसा देती है वो चाहती है कि वो काबिलियत को पैसा दे, इंसान को नहीं। तो आप अपनी काबिलियत को पहचानो, उस काबिलियत के बलबूते के ऊपर अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंटली जाओ, आपको सक्सेस मिलेगा। ये सितंबर महीना ही हकीकत का है,
रियलिटी का है। लोगों के शब्दों से प्रभावित ना हो। लोग आपको बहुत चीजें बेचेंगे, लोग आपको बहुत लफ्जों के साथ आपको चार्म करेंगे, आपको उनके वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है, आपको उनके फॉल्स प्रॉमिसेस तक नहीं जाना है, जब तक कि वो आपको हकीकत में आपके हाथ में ना थमाए कुछ चीज या आप उनके एक्शंस ना देखें। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपके लव रिलेशनशिप्स हों या बिजनेस रिलेशनशिप्स हों, आप सिर्फ शब्दों के ऊपर के में मत बिलीव रखें। जब तक आपके एक्शंस और उनके सही इरादे आपके सामने नहीं आ जाते, तब तक उनके उनको पेशेंटली सुने, बट ट्रस्ट तब करें जब आपको सही माने में हो कि हाँ बंदे ने कर दिखाया जो वो कहता था। और ये चीज आपके ऊपर भी लागू होती है, पेशेंटली सबकी बात सुनो बट करो अपने मन की, और उनकी बात सुनते सुनते आपको कई सारे आइडियाज मिलेंगे जो कि आप अपने आइडियाज के साथ मिला के आगे चल सकते हो। ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए लागू है, क्योंकि जिंदगी में जो अपनी फितरत होती है वो सिर्फ एक दायरे में सीमित होकर नहीं रहती, वो दोनों दायरों में बढ़ती है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा साथ साथ चलती है। तो अगर आप ये मेरा बात मानोगे कि ये महीना सितंबर के महीने में हमको टीम वर्क लेके चलना है, हमको अपनी मनमानी पुश नहीं करनी है, हम अपने आइडियाज भी आगे रख सकते हैं और के आइडियाज भी साथ में रख सकते हैं, और मिलजुल के अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पांव चूमेगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है जब से मैं अपने हिंदी में नोट्स लिखने लग गई हूँ, हालांकि मेरी थोड़ी मेहनत डबल हो गई, बट जैसे कि मैंने सबको समझाया है कि जब हम मेहनत करते हैं और उसको इंजॉय करते हैं तो उसका एक अजीब किस्म का लुत्फ होता है। तो शायद कहीं कहीं मैं अटकती हूँ, इसीलिए मैं अपने नोट्स बनाती हूँ और आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि अगर सबको नहीं, कुछ लोग तो इनका फायदा उठा ही रहे हैं। तो साथ में बताते बताते, जैसे मैं जब अपनी इंग्लिश प्रिडिक्शंस करती हूँ मैं बताती हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये जो राशि की प्रिडिक्शंस होती हैं, ये हम निजी प्रिडिक्शंस नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक इंसान के रहने का माहौल फ़र्क होता है, पदेशी माहौल फ़र्क होता है और उनकी फितरत फ़र्क होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बारीकियों तक अपनी ज़िंदगी को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को किस दायरे में लेके जाएं या कौन से रास्ता चुनें, उसके लिए आपको अपना जन्मपत्री बनानी बहुत ज़रूरी है। और जन्मपत्री से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो कि नॉर्मल जन्मपत्री बनाते हैं कि कहाँ ग्रह हैं और हम ये ले लेते हैं कि हाँ ये तो मेरी ज़िंदगी में होना ही था, ऐसा नहीं है। ये जो जन्मपत्री हैं, ये हमारे लिए एक मैप की तरह हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का नक्शा है, बट इसमें रंग कैसे भरने हैं वो मेरे हाथ में है। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी को और बारीकी से उस तरीके से जीना चाहते हो जिस तरीके से आप चाहते हो, तो आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं या आपकी जो वीकनेसेस हैं या आप में क्या कमियां हैं या क्या आप में उदारता है या क्या आप में पोटेंशियल्स हैं, आप कौन सा काम कर सकते हो जिसमें आपको इतनी इंजॉयमेंट मिलती है। बिकॉज एक चीज़ मेरी पिछली 40 साल की ज़िंदगी में, 40 साल मेरे को हो गए हैं इसमें, मैंने देखा है कि जो कोई भी चीज़ आप नेक नियति से करते हो या वो करते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है, माया तो खुद ब खुद दौड़ती है। जिंदगी आफ्टर ऑल आपके लिए है, जिंदगी जीने के लिए है, बट जिंदगी सही मायने में हम तभी जी सकते हैं जब हम खुद को पहचानते हैं, और उसके लिए अपनी जन्मपत्री बनाना, नेटल चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप नेटल चार्ट और जन्मपत्री बना लेते हैं तो आप उसको अपनी राशि, जब ये जो राशि प्रिडिक्शंस हम करते हैं या राशिफल बताते हैं, तो आप इमिजिएटली समझ पाओगे कि आपको क्या करना है। तो सही रास्ता जानने के लिए अपने आप को पहचानो अपने नेटल चार्ट या जन्मपत्री द्वारा।